अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के रिश्ते की तरफ जाने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज जो रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो खातून हैं, इनका जो नाम है गुलनाज बीबी, इनका नाम है, इनकी उम्र 44 वर्ष है, 44 इयर्स, और ये एक तलाक याफ्ता खातून है। हाइट जो है इनकी 5 फुट 3 इंच है, देखने में खूबसूरत हैं, अच्छे खानदान से हैं, काफी मुहज्जब घराने से इनका ताल्लुक है। तो ये रिश्ता जो है ये उन अफराद के लिए है, हमारे दोस्तों के लिए, जिनकी उम्र 45 साल तक हो, यानी कि 45 ईयर्स से ज्यादा ना हो। तो ये गुलनाज बीबी हैं, इनकी तालीम जो है एफ ए है, यानी कि 12 जमात पास हैं, काफी खूबसूरत हैं। इसके अलावा इनकी जो कास्ट है, ये सिद्दीकी फैमिली से इनका ताल्लुक है। इस वक्त जो है ये कराची सिटी में रहती हैं, कराची में जो है अपने वालदैन के घर पे ये रहती हैं। एक बेटा और 2 बेटियां हैं इनकी, तीनों जो है इनके साथ ही रहते हैं। काफी अमीर जो है इनके जो पेरेंट्स हैं, काफी यानी कि रिच फैमिली से इनका ताल्लुक है, काफी अमीर हैं, अच्छे खासे खाते पीते घराने से इनका ताल्लुक है। इनके जो वालिद साहब हैं, उनका जो है काफी अच्छा खासा जो है कपड़े का कारोबार है। तो 4 बहन भाई हैं, ये तमाम शादीशुदा हैं घर में, यानी कि बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं ये गुलनाज जो हैं। तो इनके जो वालिद साहब हैं, वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की दोबारा से शादी कर दें, ताकि ये अपने घर की हो जाए। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इनकी शादी के बाद इनके बच्चे जो हैं वो अपने नाना के पास रहेंगे, तो इसलिए वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो शादी के बाद इनसे बात करना चाहते हैं, तो बच्चों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इनके बच्चे इनके साथ शादी के बाद नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र 45 साल तक हो, वो पहली या दूसरी शादी करना चाहते हों, शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हों, तो बराए मेहरबानी रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए बराए मेहरबानी आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी तमाम तर तफसीलात वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। कोशिश किया करें कि अपना व्हाट्सएप का नंबर लिखें, ताकि हमें रब्ता करने में आपके साथ आसानी रहे। इसी के साथ हम इजाज़त दें, और हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।